Yeah, good morning everyone. So kids, how are you? Hope you all are doing well. And even I am too. छुट्टियां तो काफी लंबी चल रही हैं, काफी एंजॉय हो रही है ना. छुट्टी छुट्टी बोलते हो और इस बार छुट्टियां खत्म ही नहीं हो रही हैं, राइट? ऊपर से छुट्टियां तो हैं बट पढ़ाई भी करनी पड़ रही है. सो डियर, वी हैव नो अदर ऑप्शंस, पढ़ना हमें है, ठीक है? क्योंकि जब स्कूल खोलेंगे तो फुल फ्लेजेड एग्जाम्स वगैरह चलेंगे. सो इसलिए हम जितना हो सके आपको, हमें जो भी तरीका मिल रहा है, वी आर ट्राइंग टू रीच, आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं हम, राइट? सो योर टीचर्स, योर क्लास टीचर, योर सब्जेक्ट टीचर्स आर रियली डूइंग, रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू, ठीक है? सो जो हाँ, आपके टीचर्स आपको वीडियोस भेज रहे हैं, वॉट एवर दे आर सेंडिंग टू यू रिगार्डिंग योर असाइनमेंट्स और योर स्टडी मटीरियल्स, डोंट ओवरलुक इट. उसे ध्यान से पढ़ना, बी ऑनेस्ट रिगार्डिंग योर स्टडीज. अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो हम सबकी मेहनत बेटा बेकार हो जाएगी. हम सभी आपके लिए ही कर रहे हैं. सो आई नो क्लासरूम में बैठ के पढ़ना और घर पे बैठ के पढ़ना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो बट दो वी हैव नॉट एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि ये सिनेरियो कितना लंबा जाने वाला, नो वन नोज, राइट? सो जब तक चलता है चल रहा है. और इसी बहाने आप लोग भी मोबाइल, इंटरनेट, ई लर्निंग को लेके काफ़ी एक्सपर्ट भी हो जा रहे हो, ठीक है? ये प्लस पॉइंट है कि ई लर्निंग, डेट इज इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जो चल रही है आपकी, ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन स्टडीज, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप स्मार्ट ही हो रहे हो ना, राइट? अपडेटेड हो रहे हो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके पेरेंट्स भी टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. सो पेरेंट्स, इवन व्हाट आई एम फीलिंग इज दैट कि आप लोगों से बात करके अच्छा लग रहा है कि कई बार आप लोग स्कूल नहीं आ पाते हो अपने शेड्यूल्स की वजह से, लेकिन यहाँ पे आप पेरेंट्स टीचर्स के साथ रेगुलर कॉन्टैक्ट पे हो, भले जिस भी रीजन से हो, राइट? सो नेक्स्ट इज, लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ. सो टुडे वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट प्लेसेस ऑफ वर्कशिप. वर्कशिप मीन्स पूजा करना, आराधना करनी. हम उन प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे हम पूजा अर्चना करते हैं. ऐसे ईश्वर तो हर जगह है, ठीक है? हर जगह ईश्वर है, मैं हवा में, पानी में, पृथ्वी में, पेड़ में, अग्नि में, गॉड इज एवरीवेयर. बट देर आर स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पे हम फील करते हैं, जहाँ हमें जाके शांति मिलती है. ईश्वर को हम बोलते हैं कि भाई हमें यहाँ आके शांति मिल रही है, तो उस प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं? दो द वर्कशिप प्लेसेस लाइक गुरुद्वारा साहिब, मस्जिद, देन मंदिर एंड गिरजाघर. सो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे हम पूजा अर्चना करते हैं. टेम्पल, मॉस्क, चर्च एंड गुरुद्वारा. सो दीज आर द फोर प्लेसेस वेयर वी वर्शिप. अपार्ट फ्रॉम दिस और भी वर्शिप प्लेसेस, जैसे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है? जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जाके पूजा करते हैं. सो बेटा, दीज आर द प्लेस ऑफ वर्कशिप, राइट? इसके साथ मैं एक मैसेज आपको दूंगी कि ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, एडुकेटेड हो रहे हो, सो इट डजेंट मीन दैट कि एक हिंदू ही खाली मंदिर में जाएगा और एक मुसलमान ही खाली मॉस्क में जाएगा, या फिर एक सिख ही खाली गुरुद्वारे में जाएगा, या फिर ईसाई ही एक चर्च में जाएगा. नो, ईश्वर एक है. आप अपनी मर्जी से उसे कहीं भी जाके पूछ सकते हैं. आप अपने घर पे भी पूछ, घर में तो हम पूजा करते ही हैं. आप अगर मंदिर जाना चाहते हो मंदिर जाओ, आप मॉस्क जाना चाहते हो मॉस्क जाओ, आप गुरुद्वारा जाना चाहते हो गुरुद्वारा जाओ, आप चर्च जाना चाहते हो चर्च जाओ, ठीक है? गॉड इज वन, नेवर क्रिएट एनी डिफरेंट, नेवर डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ गॉड. गॉड इज वन, बस उनको मनाने के तरीके अलग है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके क्लास में जब एक क्लास टीचर आती है पढ़ाने के लिए, या फिर सब्जेक्ट टीचर आती है पढ़ाएगी, तो वो एक ही टीचर, राइट? एक ही चीज पढ़ा रही है पूरी क्लास को. लेकिन क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स अपने अपने तरीके से चीज़ों को समझते हैं, पूछते हैं. सबके पूछने का तरीका, टीचर्स से बात करने का तरीका एंड टीचर से खुद को कनेक्ट करने का तरीका अलग होता है, राइट? बट मीन तो एक है कि हमें टीचर से समझना है और टीचर हमें समझाएगी, समझ जाती है. भले हम किसी भी तरीके से उनसे पूछे, वो समझ जाती हैं. सो सिमिलरली गॉड इज वन, और उन्हें मनाने, उन्हें याद करने, उनसे बात करने का हमारा तरीका अलग अलग है. कोई गुरुद्वारे के थ्रू जाके करता है, तो कोई चर्च के थ्रू जाता है, कोई मॉस्क के थ्रू जाता है, तो कोई मंदिर के थ्रू जाता है. बट एट लास्ट गॉड इज वन, बस उसको मनाने, उन्हें मनाने का और उनसे इंटरेक्ट करने का तरीका अलग अलग है हमारा, जो हमने डिसाइड किया, ये ईश्वर ने हमें नहीं कहा, ठीक है? नाउ द
अब इस एक्टिविटी इस चैप्टर के बेसिस में देयर इज वन एक्टिविटी राइट, ये मैंने पहले से की हुई है. सो दिस इज अ मैच ऑफ फॉलोइंग. इन फर्स्ट कॉलम दीज आर प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एंड इन सेकेंड कॉलम द रिलीजन्स विच आर कनेक्टेड टू दीज स्पेसिफिक वर्कशिप प्लेसेस रिस्पेक्टिवली राइट. मॉस्क इज कनेक्टेड टू हूम? मॉस्क इज कनेक्टेड टू मुस्लिम्स. मुस्लिम्स यहां पे आते हैं. गुरुद्वारा सिक्स. गुरुद्वारा साहब में कौन जाते हैं? सिख धर्म के लोग पूजा अर्चना करने जाते हैं. चर्च गिरजाघर में कौन जाते हैं? गिरजाघर में क्रिश्चियंस यानी ईसाई धर्म के लोग जाते हैं. टेम्पल मंदिर में कौन से लोग जाते हैं? मंदिर में हिंदू समाज के लोग जाते हैं. ठीक है, वैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि आप कहीं भी जा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप सिख हो तो आप गुरुद्वारे में ही जा सकते हो, मंदिर में आप पैर नहीं रख सकते. अगर आप हिंदू हैं तो मस्जिद में पैर नहीं रख सकते, या फिर आप मुस्लिम हैं आप गुरुद्वारे या मंदिर या चर्च में पैर नहीं रख सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ईश्वर को हम कहीं भी जाके याद कर सकते हैं राइट, ह्यूमैनिटी, क्योंकि ईश्वर हमें इंसानियत सिखाते हैं, ह्यूमैनिटी पहले सिखाते हैं. ठीक है, तो गो थ्रू दिस एक्टिविटी एंड दिस किड्स. मैं और एक बार फिर से बोल रही हूँ, दिस चैप्टर इज समथिंग रिलेटेड टू आवर मॉरल वैल्यूज राइट. ये मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ये आप खुद भी समझो, अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करो. ठीक है, और अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं, आपके फ्रेंड सर्कल में या कोई नॉन पर्सन में कि नहीं सिख गुरुद्वारे ही जाते हैं या फिर हिंदू मंदिर ही जा सकता है, वो मस्जिद नहीं जा सकता, एक मुस्लिम समाज के लोग सिर्फ मॉस्क में ही जा सकते हैं, वो गुरुद्वारे में या चर्च में या लाइक टेम्पल में नहीं जा सकते, तो ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ईश्वर एक है, बस उन्हें मनाने के तरीके अलग अलग हैं. हम कहीं से जाके भी उन्हें मना सकते, भले हम उन्हें गुरुद्वारे से मनाएं या हम टेम्पल से मनाएं या चर्च या फिर मस्जिद राइट. सो किड्स दैट्स ऑल. थैंक यू and have a nice day. Take care, stay blessed.